صدق الله العظيم قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاه والسلام عليك يا سيدي يا نبي الرحمه वलअा उसबिक सदिया रसूल ममाम हमदोसना तारीफ़ तोसीफ़ अल्ला जिला मजदूल करीम की ज़ा पा के लिए जो खालिक कायनत भी है और मालिक शशहत भी अल्लाजिला शाह नहों की हमदोसना के बाद हजूर नबी मुकर्रम शफी मुआज़म अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दाना गजूब मालिक रखाब उमम फ़्र आरबा अजम कोनो मकाम सयाह ला मका सद इंसोजा, सरवरे लाला रुखा, सर नशीन माहवशां माह खूबाँ शहन शाह हसीना ततिम्द दौरा जलवा सुबह अज़ल नूर दात यजल, बायस तकवीन आदम व बनी आदम बतहा रज़दार माओहा शाहिद मातवा साहिब अलम नश्रा मासूम अमीना अहमद मुशतबा हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्लाम की बारगा आलिया में अपनी अकीदतों महबतों और न्याजमंदियों का अखराज पेश करने के बाद हयाफ़ला प्रोग्राम के अंदर नाजरीन आपसे मैं मुखातिब हूँ मोहम्मद अब्दुल बासित मुस्तफ़ाई और आज का जो हमारा मौजू है वो है सैद कायनत हज़रत सैद फ़ातिमत ज़ाहरा रज़ी अल्लाहा आपकी ज़ गी क़ुर मजीद फरक़ान हमीद में अल्लाह तै ने इरशाद फरमाया कुल्ला असअलुकुम ही अजरन इल्ला अलमवद तफ़िलक़रबा के महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं अपनी तबलीगी दीन पर तुम से किसी भी किस्म का अजर तलब नहीं करता लेकिन हाँ मैं ये तुमसे ज़रूर कहता हूँ कि मेरी अहल बैत के साथ प्यार करना जब यह आयत मक़दस नाजिल हुई हज़रत अब्दुल्ल इबन अब्बास रज़ी तरमाते हैं हमने अर्ज़ की या रसूल अल्ला मन कराब तो कहा उलादीन वजबत अलीना मवदत हम वो कौन से लोग हैं जिनके साथ मुहब्बत को हम पर ज़रूरी कर दिया गया है लाजिम कर दिया गया है वो कौन से लोग हैं तो जाने जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया, अली यूं व फातिमा ववालदा जिनकी मोहब्बत तुम पर लाजिम कर दी गई है वो जनाब अली हैं सैद ज़हरा हैं और इन दोनों के शहजादे हैं जिनकी मोहब्बत हम पर लाजिम कर दी गई है तो अहल बैत अतहार के साथ जो मोहब्बत है वो हम पर लाजिम कर दी गई है मेरे हजूर जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरी अहल बैत की मिसाल कश्ती नू की तरह है जो इसमें सवार हो गया वो नजात पा गया और जिसने एराज़ किया वो बर्बाद हो गया वो मनतखल लफाना ग़रक जिसने एराज़ किया तो वो गरक हो गया तो जाने जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहल बैत के साथ जो मोहब्बत है उसको हम पर लाजिम कर दिया गया है बल्कि हुजूर की अहल बैत की मोहब्बत के हवाला से बड़ी ख़ूबसूरत बात है हज़रत सदना इमाम शाफाई रमत ला आपने बड़ी ख़ूबसूरत बात की आप फरमाते हैं आल्नबी ज़रियाती वहमोल वसीलती अर्जु बहीम आता गदन बदिलजमीन सही फती कहा कि आल नबी मेरा सहारा है जब मुझ पर गम टूट पड़ते हैं तो गमों से निकलने के लिए जो चीज़ मेरा सहारा बनती है वो हुजूर की अहल बैत की मोहब्बत है उनकी अहल बैत जो है वो गमों से मुझे निकालने का वसीला है और इमाम शाफी ले, ले फरमाने लगे कल क़यामत वाले दिन अगर नाम मेरे दाएँ हाथ में पकड़ा दिया गया वो सिर्फ इस वजह से मुमकिन होगा कि मेरे दिल में हुजूर के घर वालों की मोहब्बत मौजूद है तो हुजूर की अहल बैत के साथ जो मोहब्बत है उसको हम पर लाजिम कर दिया गया है बल्कि एक मौका के ऊपर इमाम शाफ़ी रहमत ले ने बड़ी खूबसूरत बात की आप फरमाने लगे या आला बैती रसूल من फ़र्दम्ला फ़िलक़ुर आनी अन यक़ीकुमिन आज़ीमिल फ़्रकुम मल्लम तला इमाम शाफ़ी रमतल ते फरमाते हैं कि ए आल रसूल आपकी मोहब्बत को अल्लाह ताला ने क़ुरान में फ़र्ज कर दिया है और आपकी अजमतों के लिए यही बात काफ़ी है कि उस वक़्त तक किसी की नमाज ही कबूल नहीं होती जब तक वो हालत नमाज में आपकी ज़ात पर द्रूद नहीं पढ़ लेता तो हुजूर की बैत की जो मोहब्बत है वो हम सब पर लाजिम कर दी गई है कि हमने हुजूर के घर वालों से प्यार करना हुजूर के घर वालों से मोहब्बत करनी है हज़ुर जान रमत सल्ला वसलम ने एक मौका के ऊपर इर्षात फरमाया साहबा मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ इनका दामन थामे रखना कभी भी गुमराही तुम्हारे नज़दीक नहीं आएगी उनमें से एक फरमाया किताबुल्लह मजीद फुर्कान हमीद इसका दामन थामे रखना कभी भी गुमराही तुम्हारे नज़दीक नहीं आएगी बल्कि मुझे हजरत मौला केनात शे ख़ुदा रजी अल्ला तुका एक फरमान याद आ गया जो उन्होंने हजूर की बारगाह में बैठ कर ये लोगों तक मुंतकिल किया एक दिन में रबल्लाज़र खिदमत हैं, तो हजूर ने फरमाया कुर्बे के अमद के नज़दीक बड़े बड़े जो फितने हैं वो नमदार होंगे तो हजरत के एनात शेर खुदा रजी अल्लाह नो आप अर्ज करते हैं या रसूल फिर उन फितनों से बचाओ का हल भी इर्शात फरमा दें फिर उन फितनों से हम कैसे बच सकते हैं तो हजू ने फरमायाली फितनों से बचाओ का हल सिर्फ कुरान के साथ जुड़े रहने के अंदर मौजूद है तो हजूर ने फरमाया सहाबा में तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं इनके साथ जुड़े रहना गुमराही तुम्हारे नजदीक भी नहीं आएगी उनमें से एक फरमाया कि तुम कुरान के साथ जुड़े रहना और दूसरा फरमाया मेरी अहल बैत के साथ तुम जुड़े रहना तो हजूर की अहल बैत के साथ जो मोहब्बत है वह हम सब के ऊपर लाजिम कर दी गई है बल्कि हजरत सैदना शाह वली मुहदस देवी रहमत बड़ी खूबसूरत बात इर्शात फरमाते हैं फरमाते हैं अहले बैत रसूल को जो शख्स बुरा जानता है उसका ईमान ख़तरे के अंदर है और हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमत ला फरमाते हैं सिवाए मोहब्बत अहल बैद के मेरा कोई भी अमल जो है वो ज़रिया नजात नहीं है तो उम्मत के असलाफ जो हैं सहाबा हैं या मशाहिर हैं जो उम्मत के उनका ये हमेशा से मामूल रहा कि वो हज़ूर के घर वालों से प्यार किया करते थे हज़ूर के अहल बैत से वो प्यार करते हैं बल्कि मुझे यहाँ पर एक बुजुर्ग गुज़रे हैं हज़रत शेख अमान पानीपति रमत लाल वो बड़ा ख़ूबसूरत पैगाम देते हैं इस हवाला के साथ हज़रत शेख अमान पानीपति रहमत ल्ह फरमाते हैं कि सरमाया दुर्वेशी पेश मादर चीज कि अब ये फ़कीरी क्या होती है तसवुफ़ किसे कहते हैं ये सूफ़ी कौन होता है एक तो ये कि हमारे माशरे के अंदर ये जो आज कल वो तस्वुफ़ के नाम पर जो एक तूफान बदतमीजी बरपा है और इसको गलत रंग देकर फिर लोगों के सामने जब तलाबा के सामने बयान किया जाता है तो लोग फिर इससे मुतनफर हो जाते हैं हमें तस्वुफ़ का हकीकी रंग दिखाया नहीं गया कि तस्वुफ़ का हकीकी रंग कौन सा होता है तो हजरत शेख अमान पानीपति रहमत आप फरमाने लगे कि सरमाया दुरवेशी पेश मादर चीज दुरवेशी बेटा दो चीजों का नाम है अगर इंसान के अंदर ये दो चीजें आ जाए तो इंसान दुर्वेश बन जाता है इंसान अल्लाह वाला बन जाता है इंसान सूफी बन जाता है इंसान फ़कीर बन जाता है दो चीज़ें जब इंसान के अंदर आती हैं वो कौन सी दो चीज़ें हैं आप फरमाते हैं एक इंसान का अखलाक अच्छा हो दूसरा हुजूर के घर वालों की मोहब्बत दिल में मौजूद हो तो बंदा सूफी बन जाता है तो हुजूर की अहले बैत के साथ जो मोहब्बत है उसको हम पर लाजिम कर दिया गया है कि हमने हुजूर के घर वालों से मोहब्बत करनी है बल्कि इस हवाला से हजरत अब्दुलरहमान जामी आरमा का बड़ा खूबसूरत मैसेज भी मैं आपको देना चाहूँगा ये कौन अब्दुलरमान जामी आल हैं? है ये वही जामी है ना जिन्होंने वो कहा था कि हज़ार बार यम दहान से मुशको गुलाब हनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बी अदबीस यारसूल्ला अगर मैं अपनी ज़ुबान को एक हज़ार बार भी अर के गुलाब से दो लूँ तब भी मेरी ज़ुबान इस काबिल नहीं है कि मेरी ज़ुबान पर आपका नाम आ सके यही अब्दुलरहमान जामी जब हुजूर की अहल बैत के हवाला से बात करते हैं अपना तारुफ लोगों को करवाते हैं तो कितनी खूबसूरत बात करते हैं कहते हैं बसित को सफ़ा गश्त बेचारा जामी ग़ुला अज़ ग़ुलाम आल मोहम्मद कहा लोगो जामी का तारुफ़ सुनो जामी तो जो हज़ूर की आल के गुलाम है जामी तो उनका भी गुलाम है जो हजूर की आल के गुलाम है जामी तो उनका भी गुलाम है तो हज़ूर की अहल बैत के साथ जो मोहब्बत है उसको हम पर लाजिम कर दिया गया है हज़रत शेख मुजदिलफ़ानी रतल फरमाते हैं मोहब्बत अहल बैत सरमा सुन्नत अस्त हजूर की अहल बैत के साथ जो मोहब्बत है वो अहल सुन्नत का सरमाया है तो हम हजूर के घर वालों से प्यार करते हैं हजूर के घर वालों के साथ हमारी अकीदत है अकीदत के जज्बा हमारे अंदर दिलों के अंदर मौजूद है तो हज़ूर जान रत सल्लम के घर वालों के साथ जो प्यार है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनों में कूट कूट कर बरा हुआ है अब जब हम हुजूर की अहलबैयात का तस्करा करते हैं तो हुजूर की अहलबैत में से जो शख्सियत हमारे जहन में आती है और आज जिनका योम विसाल भी है, हुजूर की प्यारी बेटी हसनैन किी की अम्मा जान हज़रत सैदा तयबा ताहरा हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आज क्योंकि आपका योम मिसाल है तो आपका नाम फातिमा मेरे हजूर अली सलात ने रखा और इसकी वजह ने बयान फरमा दी फातिमा का नाम फातिमा क्यों रखा है मेरे जाने ने ये बात दी। मैंने फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह फातिमा के ऊपर और जो जो भी मेरी बेटी फातिमा से मुहबत करेगा अल्लाह तला ने सबके ऊपर जहन्नुम की को हराम कर दिया है इसलिए इनका नाम फातिमा रखा गया है तो जो भी हज़रत सैद कायनात से मोहब्बत करता है उस पर अल्लाह ताला ने की किया को हराम कर दिया है तो हज़रत सैद फ़ातिमा जहरा रजी अल्लाह ते हजूर की सबसे छोटी साहिबजादी हैं और हजूर इनसे बड़ा ही प्यार किया करते थे हज़रत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह तन्हा फरमाती हैंजूर जब भी किसी सफ़र पर रवाना होते सब आखिर में जिससे मुलाकात किया करते थे वह अपनी प्यारी बेटी हजरत फाति मतुलजहरा रजी ताला तन्हा से मुलाकात किया करते थे और जब हजूर वापस पलटते तो सबसे पहले जिसके घर में हजूर कदम रंजा फरमाते जिसकी खैरियत दरियाफ्त करते वो कौन थी वो हजरत सयदा कायनात हजरत फाति जहरा रजी अल्लाह तन्हा होती जिनकी खैरियत दरियातर मत है बल्कि करी माका सल्ला वसम का इनके साथ कितनी मोहब्बतों बड़ा वो लम्हा जो हमें कुतुबे मिलते हैं हज़रत आयशा सदी का रजी अल्लाह फरमाती हैं कि जब भी सैद कायनात हजरत सैद फ़ातिमात जहरा रजी अल्लाह तहा वो हजूर के घर में तशरीफ़ लाती हाजिर खिदमत होती तो मेरे हजूर खड़े होकर उनका इस्तबाल किया करते थे और फिर सिर्फ यहाँ बात ख़त्म नहीं होती मेरे हजूर अपना हाथ और उनके हाथ को मिला लेते आपस में और फिर हजूर उनके हाथों पर बोसा देते और फिर मेरे हजूर जान वसल्लम अपनी नशिस्त पर उनको अपने साथ बिठा लिया करते थे इस अंदाज में मेरे हजूर इनसे मोहब्बत किया करते थे और एक मरतबा हजरत ऐशा सिद्दीक रजील्ला से सवाल किया गया पूछा गया कि हजूर सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत फरमाते हैं तो हजरत ऐशा सिद्दीका रजियाल्लाह आप फरमाने लगी हजूर सबसे ज्यादा जिससे प्यार किया करते थे वो अपनी प्यारी बेटी फातिमत तोहरा से प्यार किया करते थे सबसे ज्यादा हजूर उनसे मोहब्बत फरमाते और फिर पूछा गया कि मर्दों में सबसे ज्यादा हजूर किससे मोहब्बत फरमाते तो हजरत सिद्दीका रदी अल्लाह तहा फरमाने लगी मर्दों में सबसे ज्यादा हजूर फातिमा के शोहर से प्यार करते यानी मौला कैनात शेर खुदा करमल तजुल करीम आपकी जात से हजूर सबसे ज्यादा मोहब्बत किया करते थे तो हजूर की अहबैद के साथ जो मोहब्बत है उसको हम पर लाजिम कर दिया गया है कि हमने हुजूर के घर वालों से प्यार करना है हमने हुजूर के घर वालों से मोहब्बत करनी है बल्कि नाजरीन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह त ने यह भी खूबसूरत एक मैसेज हमें डिलीवर किया सैद कायनत के हवाला से फरमाती हैं कि हमनेजूर के मुशाबे जितना फातिमा को पाया किसी को भी नहीं पाया आप आदातों खास के अंदर आप हजूर अली सलाम के साथ जितनी मुशाबहत रखती थी कोई और इतना हजूर के साथ मुशाबहत नहीं रखता था बल्कि हजूर जान रत सल्ला वसल्लम की हम शक्ल थीं सैद फ़ातिमत ज़हरा रजी अल्लाह तना और अल्लाह ताला ने इनको कितनी शान मरहमत फरमाई आप जानते हैं कि आपके शहर नामदार हजरत सदना अलीतदा करम अल्लाह तजुल करीम आपका जो निकाह हुआ हज़रत फातिमात ज़हरा रज़ी अल्लाह त के साथ आपकी अठारह साल की उम्र थी जब आपका निका मौला कायनत शेर खुदा रजी अल्लाह तु के साथ हुआ और आपकी जो उम्र मुबारक है मौला कानात शेर खुदा रजी अल्लाह तु की वो इक्कीस बरस थी तो आपका निका हुआ माह रमज़ान के अंदर आपका निका हुआ था और चंद माह बाद फिर आपकी रुखती जो है वह अमल में आई थी मेरे हजूर जान रहा सल्लाम ने अपनी बेटी का निका जो है वह वक्त पर किया और ये फिर देखें यहाँ पर मैं ये भी नाज़रीन आपको बताना चाहूँगा कि हजूर जान अलैहि वसल्लम ने हज़रत सद ज़हरा रज़ी अल्लाह तहा का जो निका हज़रत मौला कानात से किया वो अल्लाह के कहने पर कियाम खुदाबंदी पर किया लेकिन फिर भी मेरे हजूर जान रमत सल्ला व्ल् अपनी बेटी के पास जाते हैं और कहते हैं बेटी अली तुझसे निकाँह का ख्वाहिशमंद है क्या तुझे ये निका कबूल है ये नहीं कबूल चौदह सौ साल पहले मेरे हजूर ने मुशरे को एक वो तरीका सिखा दिया हजूर का उसमें नूर कितनी खूबसूरत बात है मेरे हजूर ने उस वक़्त चौदह सौ साल पहले अपनी बेटी से पूछा कि मैं फलां मर्द के साथ फलां के साथ तुम्हारा निकाह करना चाहता हूँ तुम्हारा निकाह वो शख्स तुमसे निकाह करना चाहता है तो क्या मैं तुम्हारा उसके साथ निकाह कर दूं या ना कर दूं मैं यहाँ पर रुककर आपको कहना चाहूँगा आज हमारे माशरे के अंदर जिस अंदाज में बाज़ात बच्चों के साथ ज्यादी की जाती है इस अंदाज़ में कि हमारे जो वालदान होते हैं कभी बच्चियों को पूछते नहीं हैं और पूछे बगैर उनसे उनकी रज़ा हासिल किए बगैर उनके लिए लड़का तलाश कर लेते हैं और उनको कह देते हैं बेटा हमने फ़लां जगह तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है और बाज़ात ये भी होता है कि हम अपने बच्चे से नहीं पूछते कि फ़लाँ लड़की के साथ हम तुम्हारा रिश्ता तय करना चाहते हैं क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है या नहीं पसंद क्या तुम तस्लीम करते हो कि तुम्हारा वहाँ रिश्ता कर दिया जाए तो बाज़ात जब बच्चे जो आगे से कह देते हैं कि हमें वाह वो रिश्ता कबूल नहीं है तो फिर वालदे नाराज़ हो जाते हैं वो कहते हैं कि हमारा ख़ानदान टूट जाएगा हमने तो बचपन से ही वो बात कर ली थी भाई बहन ने कि हमने एक दूसरे के साथ रिश्तेदारी करनी है मैंने अपने बेटे का निकाह तेरी बेटी के साथ करना है हमने तो बचपन में ही बात कर ली थी तो आज अगर आप निकाह नहीं करेंगे तो हमारा ख़ानदान टूट जाएगा तो मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि यार देखें आपके बच्चे बड़े हो गए हैं उनसे मुशावरत तलब करें और ये निकाह की सूरत में जो एक रिश्ते के अंदर मियाँ बीवी आते हैं ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है और सिर्फ इस वजह के साथ कभी कभी हम इस रिश्ते को जाए कर बैठते हैं कि हमारी रजा उसमें शामिल नहीं होती तो लिहाजा जब भी आप बच्चों के निकाह करें तो उस वक़्त बच्चों से पूछा कि पूछ लिया करें मुशावरत किया करें कि क्या तुम्हारा उस लड़की के साथ और लड़की से भी पूछा करें कि बेटा मैं फलां लड़के के साथ तुम्हारा निकाह करना चाहता हूं तुम्हें कबूल भी है ये नहीं कबूल तो हजूर जान रहा सल्लाम ने जब पूछ लिया तो हजरत सैद कायनात सलाम्ला आपने खामोशी इख्तियार की और किसी भी कंवारी औरत की खामोशी इस बात की दलील होती है कि वो उस निका के ऊपर राजी है तो इस तरह आपका निका जो है वह हजरत सैद्ली मुतजा रज़ी तन्ों के साथ जो है मेरे हजू ने मुनदद करवा दिया और हज़रत सैद आशा सदीका रज़ी अल्लाह तहा और हज़रत उम्म सलमा रजी अल्लाह तह आप फरमाती हैं कि जब आपका निका हुआ जब हज़रत सदातिमतरा रजी अल्लाह तन का निका हुआ कहती हैं हमने इतनी खूबसूरत शादी नहीं देखी इतनी खूबसूरत दुल्हन नहीं देखी जितनी खूबसूरत दुल्हन हजूर की प्यारी बेटी फातिमा तो जहरार्ला थी और हजूर जान रतल्ला तो ने इनकी तरबियत भी बड़े खूबसूरत अंदाज में की और हजूर ने इनके फजायल खुद बयान फरमा दिए मेरे हजूर जान रतलम ने फरमाया था कहा फातिमा तो बिद आतुम फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है फमन अग दबा हा अग दबा न जिसने फातिमा को गजब ना किया फातिमा को नाराज किया उसने मुझ मोहम्मद को नाराज किया और फिर ये देखिए ये जुमला कितना खूबसूरत है कि फातिमा तो बिदा तुम मिनी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है अगर हम इस के अंदर जाएं जरा सोच में थोड़ा सा सोचें कि ये जुमला कितना खूबसूरत है कि ये जुमला कब कहा गया है फातिमा तो तु बिदा तुम मिनी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है आज मैं भी अपनी बहनों के साथ प्यार करता हूँ आप भी अपनी बहनों के साथ प्यार करते हैं आज का बाप अपनी बेटी के साथ मोहब्बत रखता है आज की बहन अपने बाई की शहज़ादी है आज की बेटी अपने बाप की शहज़ादी है हम बहुत प्यार करने वाले लोग हैं लेकिन मैं आपके सामने सवाल रखना चाहूँगा कि यार ये तो वो बाप था जो अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया करता था ये तो वो बाई है जो अपनी बेटी अपने बहन को कत्ल कर दिया करता था लेकिन आज भाई के दिल में आज जो बाप है उसके दिल में ये बेटी की मोहब्बत कहाँ से पैदा हो गई तो जब हम देखेंगे तो हमें नजर आएगा चौदह सदियां पहले हमारे हजूर जान अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ऐलान किया था माशरे के अंदर उस माशरे के अंदर ऐलान किया था बेटियों के साथ जिस माशरे में जुल्म किया जाता था तशद्द किया जाता था उस माशरे के अंदर मेरे हजूर ने फरमाया था एहल अरब तुम तो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करके फख्र महसूस करते हो मोहम्मद की बोली सुनो मोहम्मद की बेटी फातिमा तो मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है मोहम्मद की बेटी फातिमा तो मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है तो हुजूर ने इस अंदाज़ में हज़रत फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह तहा के साथ जो है वो मोहब्बत की है बल्कि जब आपकी विलादत बात शादत हुई थी तो ये भी एक रवायत मिलती है कि हजूर को जब पता चला हजूर आप को देखने के लिए जब तशरीफ़ लाए तो हज़रत सैदा खतीजातुलकबरा सलामुल्ल आ उस वक़्त अरब का जो मुआरा था वो किस नहाज पर पहुँच चुका था और आपके घर में मुसलसल ये चौथी बेटी की आमद थी तो आपने हुजूर से कुछ कहना चाहा हुजूर हजूर अलातूलाम ने इससे पहले कि सयदा खतीजा तकबरा रज़ी अल्लाह कहतीं, कहती ने कहा कि ए खतीजा अल्लाह ताला ने मुझे जो बेटी दी है ये बड़ी ख़ूबसूरत है फरमाया कि जो मैं मोहम्मद हूँ वो बेटी और बेटे के साथ एक जैसा सलूक करता है तो रहमत जान अलैहि वसल्लम ने बेटी के साथ बेटे के साथ एक जैसा सुलूक किया यहाँ पर मैं माशरे को ये भी आज बताने की ज़रूरत है कि आज हमारे माशरे में जिस अंदाज में बाज़ात वरासत की बारी आती है तो हम बेटे के नाम वरासत कर देते हैं और बेटियों को वरासत से महरूम कर देते हैं और आज भी जिस अंदाज़ में बेटियों का कत्ल आम हमारे माशरे में किया जा रहा है वो किसी से मख् नहीं है बात शायद थोड़ी सी तलख हो जाए लेकिन यह हकीकत पर मबनी है इकबाल ने भी कहा था ना हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से यह बात हकीकत पर मबनी है आज जिस अंदाज़ में जब हमारी औरतें हमल से होती हैं तो बाज़ात बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं कि लोगों को जब पता चलता है कि बेटी है लोग हमल जाया करवा देते हैं तो ये भी तो बेटियों का कत्लेआम है जो आज हमारे मुआरे में किया जा रहा है बेटी हो या बेटा हो उनके साथ मोहब्बत करना उनके साथ अच्छे जज्बा रखना ये मेरे हजूर जान रत वसम का तरीका है तो हज़ूर ने आपकी विलादत पर ख़ुशी का इजहार किया था तो मेरे हजूर जान रहा हज़रत सैदा फ़ातिमतरा रजी अल्लाह आप के साथ बड़ी ही जो है वो मुहबत किया करते थे बल्कि एक रवायत मैं आपके सामने रखना चाहूँगा हज़रत सै स्य, सदनाजैफ़ा रजिय तजूर के प्यारे से हैं आपका घर मस्जिद नबी के कुछ फासले पर था और आप हर नमाज हुजूर के पीछे नहीं अदा कर सकते थे एक दिन अपनी वालदा से कहने लगे अम्मा मुझे इजाज़त दो ताकि मैं मगरब की नमाज़ हुजूर के पीछे जाकर अदा करूं और साथ ये भी कह दिया अम्मा अगर आप मुझे इजाज़त देंगी तो मैं हुजूर से आप के लिए दुआ मफ़रत करवा के आऊँगा हजूर से दुआ मफफरत करवाऊँगा आपके लिए तो माने इजाज़त दे दी कि हज़ूर जान रहा सल मेरे लिए दुआए मफ़रत कर देंगे तो हज़रत हजाफा रदी अल्लाह हज़ूर की बारगाह में हाजिर ख़िदमत हुए नमाज मगरब अदा की हजूर के पीछे तो हज़ूर अली की सलात अस्लाम नवाफल में मसरूफ़ हो गए नवाफल में मसरूफ़ हुए तो फिर ईशा की नमाज का वक़्त हुआ आपने ईशा की जमात के साथ नमाज अदा की उसके बाद मेरे हज़ू कशैन नूर की जनब जब चलने लगे तो हज़रत हज़ाफा ऱी अल्लाह तु भी हज़ू के पीछे चले गए तो हुजूर ने कदमों की आहट को महसूस किया और हुजूर फरमाने लगे अंता गफर अल्लाह का वाली उम्मी का माँ हाजा का क्या तू हुफा है अल्लाह तुझे भी बख्श दे तेरी माँ को भी बख्श दे बता किस काम से आया है अब जिस काम की गरज से आए थे वो तो बताया नहीं हुजूर ने पहले बता दिया बंदा मिट ना जाए आका पे तो वो बंदा क्या है बेखबर हो जो गुलामों से वह आका क्या है तो अभी तो सवाल रखा नहीं था हुजूर की बारगाह में हुजूर ने पहले जवाब इरशाद फरमा दिया तो फिर मेरे हजूर जाने रमत सल्लाम ने हजरत हुजाफा को मुखातिब होकर कहा हुजाफा मेरे पास एक अल्लाह का फरिश्ता आया उसने अल्लाह का पैगाम ये मुझे दिया कि अल्लाह फरमाता है कि आपकी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं और उनके शहजादे हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं तो ये खातीन जो जन्नत की जो खतिन हैं उनकी जो सरदार हैं वो हज़रत सैदा फ़ातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तन्हा हैं बल्कि मेरे हजूर जान रहमत सल्ला वसम ने एक मौक़ के ऊपर इशात फ़रमाया कि दुनिया की जो बेहतरीन औरत है मेरी उम्म की जो बेहतरीन औरत है वो मेरी बेटी फ़ातिमा है जो बेहतरीन औरत है और आपका मौला कानात शेर खुदा कर रमल्ल तजुल करीम आपके साथ कितना एक खूबसूरत ताल्लुक था कितना जोजैन के दरम्यान मोहब्बतें थीं हज़रत मोला कायनत शेर ख़ुदा अल्लाहु ताला तजुल करीम आपसे पूछा गया कि आप बताएं आप फातिमतु तो जहरा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में क्या ख्याल रखते हैं आप उनके बारे में कुछ अलफाज हमें बताएं तो मौला कानात शेर खुदा रजी अल्लाह अन्हों फरमाने लगे फरमाते हैं कि फातिमा जन्नत की खुशबू है फातिमा तो जन्नत का फूल है जिसकी खुशबू आज भी अली महसूस करता है तो आपने घर में रहकर अपने शोहरे नामदार की खिदमत की बच्चों की तरबियत की तो इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात की थी ना इकबाल ने कहा था जब माए अच्छी होती हैं ना जब माए फातिमा तो जहरा जैसी हों तो फिर उनकी गोद में जन्म लेने वाले वो भी हुसैन इबिन अली बना करते हैं तो जब माएं अच्छी होती हैं तो उनकी गोद में पलने वाले वो फिर उम्मत के इमाम बना करते हैं और अलामा इकबाल ने एक और बड़ी खूबसूरत बात की और जब भी ये बात मैं बयान करता हूं तो मुझे एक अजीब किस्म का लुत्फ महसूस होता है इकबाल ने कहा था लोगों कभी कभी इकबाल का दिल करता है इकबाल काबे का तवाफ ना करे इकबाल मोहम्मद की बेटी ज़हरा की कबर का तवाफ करे लेकिन अगर मुझे शरीयत की वो तरफ से थाम ना होती तो मैं काबे का तवाफ ना करता मैं मोहम्मद की बेटी की कबर का तवाफ करता क्योंकि फातिमत जहरा ने हुसैन जो है वो मुआरे को दिया है तो हम जो हैं वो हुजूर की बैत के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं हम हुजूर के घरवालों से मुहब्बत करते हैं इसलिए तो हम ये कहते हैं कि सैदा तयबा ज़ाहरा आबदा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम तो हुजूर की जो प्यारी बेटी हैं हज़रत फ़ातिमत ज़ाहरा सलामल आज आपका योम विसाल है तीन मुबारक आज के दिन आप इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गई थी और मेरे हजूर जान रतल्ला वसलम की प्यारी बेटी हजरत फातिमतरा रजी अल्लाह तन अगर आपकी सीरत को देखें तो कितनी खूबसूरत आपकी सीरत है आज हम लोग हैं यार हमें तो वो सुबह दोपहर शाम खाने के लिए तरह तरह की चीज़ें मैसर होती हैं लेकिन फिर भी हमारी जुबान पर वो कभी कभी मालिक की न शुक्रिया आ जाती है बहुत सारे मुशरे में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं लेकिन सैद आफातिमत जहरा रजी अल्लाह तह आपके घर के अंदर कई कई दिन फाके रहते लेकिन फिर भी ज़ुबान पर कभी नशक्री लेकर नहीं आई फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती बल्कि एक दिन ऐसे हुआ कुछ दिन गुजर गए थे घर में फाक, फाका था तो कुछ खाना आया आपने तनावल फ़रमा लिया हज़रत मौला कायनात शेर खुदा रजी अल्लाह तन और बच्चों ने जब हज़रत सैदा फ़ातिमत ज़ाहरा रजी अल्लाह तह ने वो खाना तनावल फरमाना था तो बाहर किसी ने दस्तक दी कि फातिमा मैं दो दिन से भूखा हूं मुझे खाना दो तो आपने बेटे इमाम हसन को बुलाया और कहा कि जाओ खाना दे दो कहा आपने भी तो नहीं खाया कहा मैं एक दिन से बुखी हूं वो दो दिन से भूखा है तो जिस अंदाज में हजरत सैद फातिमा तोहरा रजी अल्लाह ने सखावत की ना वो आपकी मिसाल आप है इतनी सखावत की किसी ने आपसे पूछा था कि मेरे पास चालीस ऊंट हैं तो मुझे बताएं इसमें से मैं कितनी जकवात दूं तो हजरत सैदा फरमाने लगी तुम्हारे लिए तो इस जक़त ये बनती है कि तुम एक ऊंट दे दो अल्लाह के रास्ते में लेकिन अगर फातिमा की बात सुनना चाहो तो फातिमा की बात सुनो अगर फातिमा के पास चालीस ऊंट होते तो फातिमा चालीस के चालीस अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देती तो इस अंदाज़ में ये सखी घराना है हजरत सैदा फातिमा तो जहरा सलाम उल्ला आपका जो घर है बल्कि एक और मैं खूबसूरत बात बताना चाहूँगा एक दिन मेरे हजूर जान रहा सल्लाम तशीफ़ फरमा थे और हजूर ने पूछा लोगों बताओ कि बेहतरीन पर्दा क्या होता है बेहतरीन पर्दा क्या होता है तो तमाम जो लोग वहाँ पर मौजूद थे हजूर के साहबा मौजूद थे उन्होंने बता दिया किसी ने कुछ बताया किसी ने कुछ बताया हज़रत मौलिया कायन शे खुदा रदी अल्लाह तुम भी वहाँ पर मौजूद थे आपने देखा कि हुजूर ने यह सवाल किया है वहाँ से उठे और जाकर घर में हजरत सैदा फ़ातिमा जहरा रदी अल्लाह तहा से पूछा कि फ़ातिमा बेहतरीन पर्दा क्या है आपने बता दिया और फिर हुजूर की बारगाह में आए कहने लगे यार रसुल्ला मैं बताऊँ बेहतरीन पर्दा किसे कहते हैं हुजूर ने कहा कि ठीक है अली तुम बताओ बेहतरीन पर्दा किसे कहते हैं कहा यार रसुलल्ला बेहतरीन पर्दा ये है ना कोई औरत किसी गैर बहरम मर्द को देखे और ना ही कोई मर्द किसी गैर महरम औरत को देखे जब यह बात कही तो मेरे हुजूर कहने लगे अली ये तो मेरी बेटी फातिमा की बात लगती है ये तो मेरी बेटी फातिमा की बात लगती है तो इस अंदाज में हुजूर अली की सलात इस्लाम ने इनकी तरबियत की सारी सारी रात यारी अल्लाह के अल्लाह की दहलीज पर खड़ी होकर इबादत किया करती थी बल्कि आपकी इबादत का आलम क्या है सख्त सर्दियों की रातें थी एक दिन मालिक की बारगाह में अरज करती हैं मालिक तेरी रातें इतनी छोटी हैं कि तेरी बंदी का जो के बंदगी ही पूरा नहीं होता एक रात तो इतनी ऐसी लंबी बना देना कि तेरी बंदी जी भर के तेरे सामने सजदा तो कर सके ना इकबाल ने वो इकबाल ने भी कहा था ना और कुरान ने भी इन्हीं लोगों के बारे में कहा वल्लना अबी तू नली वक़ियामा जिनकी रातें कभी क्याम में बसर होती हैं कभी सुजूद में बसर होती हैं सारा दिन घर का, का काम करती हैं और फिर जब रात आती है तो फिर अल्लाह की दहलीज पर खड़ी हो जाती हैं मालिक को मनाने के लिए खड़ी हो जाती हैं तो इन शख्सियात की सीरत पर आज हमें अमल करने की ज़रूरत है तो सैद आफाती मतुलजहरा रजी अल्लाह तह के साथ मेरे हुजूर बड़ी ही मोहब्बत फरमाया करते मेरे हुजूर ने इनको बतूल कहा मेरे हुजूर ने इनको जहरा कहा तो ये जन्नत की कली हैं हज़रत मौला का शेर खुदा रदी अल्लाह तन्हों भी इनके साथ बड़ी मोहब्बत फरमाते और इन्होंने जिस अंदाज़ में अपने बच्चों की तरबियत की और पूरे माशरे की कौम को यह बता दिया हमारी माओ बहनों बेटियों को यह बता दिया कि अगर तुमने घर में रहना है तुम्हारा उसमें नूर कैसा होना चाहिए अगर तुम बीवी बनकर जिंदगी गुजारना चाहती हो तुम्हारे सामने फातिमा बिनते मोहम्मद का जो रोशन किरदार है वो मौजूद है अगर तुम बीवी बनना चाहती हो कि किस अंदाज में तुम एक कामयाब बीवी बन सकती हो मेरे हजूर जान रदली वसलम ने जब आपका निकाह किया था मौला कायनात शेर खुदा रली तुके साथ तो हजू ने फरमाया था फातिमा अली की खिदमत करना और फरमाया था मैंने उस शख्स के साथ फातिमा तेरा निकाह किया है जो अल्लाह अल्लाह का महबूब तरीन बंदा है उसके साथ मैंने तेरा निकाह किया है तो मौला का एनात शेर खुदा रदी अल्लाह तालों के साथ जो आपका एक करीबी तल्लक था और जो आपके शहजादगान का आपके साथ एक ताल्लुक़ था करीबी वो किसी से मख्फी नहीं है तो इस मौजू पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं लेकिन मैं अपने मौजू कोना चाहूँगा और नाजरीन मैं आपको ये दावती फिक्र भी देना चाहूँगा कि आज जिस माशरे के अंदर हमारी माएँ हमारी बेटियाँ बेरा रवि का शिकार हैं जिस अंदाज में आज हमारे कल्चर में जो कुछ हो रहा है हमें जिस अंदाज में मगरबी तहजीब की जानब धकेलने की कोशिश की जा रही है तो आज हमने अपनी बहनों को बताना होगा आज जरूरत इस अमर की है कि हम अपनी माओ को बताएं अपनी बहनों को बताएं कि अगर कामयाबी चाहते हो अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह और उसके रसूल की नज़रों में तुम सुरखरू हो जाओ तो फिर सैयद सैदा फ़ातिमाज़हरा रदी अल्लाह तह की दहलीज़ पर आना होगा और उनकी दहलीज़ पर आ जाओगे तुम वहाँ से खैरा तलब करोगे तो तुम्हें दुनिया की और आखरत की जो तमाम भलाइयाँ हैं वो नसीब कर दी जाएंगी तो हजू ने इसीलिए ये बात इर्शाद फरमा दी मेरे हजूर फरमाते हैं फ़ातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है एक मौका के ऊपर इर्शाद फरमा दिया कि फ़ातिमा मेरी उम्मत की बेहतरीन खतून है और इस सारे फ़लसफे को जो मैंने आगाज़ में गुफ्तु की आगाज़ में कहा था कि कुरान मजीद की वो आयत मुकरमा आपके सामने मैंने रखी थी आयत कि के खुल्ला सालकुम अजरन अलमवद तफ़ी क़ुरबा क्या महबूब आप फरमा दीजिए मैं तुमसे किसी भी किस्म का अजर तलब नहीं करता लेकिन हाँ ये मैं तुमसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि तुम मेरी अहल बैत के साथ प्यार करना और हजूर ने हमें यह तलीम भी दी कहा अपनी औलाद को तीन चीज़ें सिखाओ अपनी औलाद को कहा एक अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ और दूसरा फरमाया कि अपने नबी के घर वालों की मोहब्बत सिखाओ और तीसरा फरमाया कुरान मजीद की तिलावत सिखाओ तो नाजरीन अगर आज हम चाहते हैं कि हमारा ताल्लुक़ अहल बैत के साथ मजबूत हो जाए तो फिर हमें अच्छे अंदाज में वो उनकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करनी होगी बल्कि खूबसूरत बड़ी बात है खून रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलोस्तीनत पे लाखों सलाम तो हम तो दोनों हाथों के साथ सलाम पेश करने वाले लोग हैं हम तो कहते हैं कि हुजूर के घर वालों तुम पर सलाम हो तुम पर सलामतियाँ नाजुल हों तो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने इसीलिए यह मौजू बयान फरमा दिया कि हमने हुजूर के घर वालों के साथ मोहब्बत करनी है हमने हुजूर के घर वालों से प्यार करना है हम हुजूर की आल के गुलाम हैं हम हुजूर की अहल बैत के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं तो आज अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो कामयाबी नौजवानों उसी सूरत में मुमकिन होगी कि जब हम अपनी बहनों को अपनी बेटियों को अपनी माओ को सीरत सरत फ़ातिमतज़हरारदी अल्लाह तहा का दरस देंगे इसकी एक आसान सी सूरत यह भी निकल सकती है कि हम मार्केट में कुछ ऐसी बुक्स ले लें जो सीरत फ़ातिमत ज़ाहरार रदी अल्लाह तन्हा पर लिखी हों वो बुक्स अपनी बहनों को दें लाकर अपनी माओ के हाथों में दें क्योंकि जब माओ की तरबियत होती है वह एक मुफक् ने बड़ी खूबसूरत बात की थी ना तुम मुझे अच्छी माए दे दो मैं तुम्हें अच्छी कौम दे देता हूं तो जब माँ अच्छी होती है तो फिर कौम अच्छी होती है जब माएँ अच्छी होती हैं तो उनकी कोक में पलने वाले कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी बनते हैं जब माएँ है, तो अच्छी, 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 अच्छी होती हैं तो फरजंद भी गौ से आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसे पैदा होते हैं जब माएँ अच्छी होती हैं तो फिर पैदा होने वाले भी बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर बना करते हैं जब माएँ अच्छी होती हैं तो फिर जमाना उन माओं की औलाद को हुसैन इबन अली के नाम से याद करता है तो आज तीन मुबारक है और तीन रमज़ानमबारक हज़रत सैद कानानत हज़रत सैदा फातिमत उजहरा रजी अल्लाह तहा आपका योम विसाल है मगरब और ईशा के दरम्या आपका विसाल हुआ फिर आपकी नमाज जनाजा हज़रत सैदा अमीर उम्मीन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तहोंने पढ़ाई तो इस तरह फिर ये वो हस्ती जो हजूर के सबसे ज़्यादा करीब थी हजूर जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार किया करते थे वो हुजूर से मुलाकात के मुलाकात के लिए तीन रमजान बार को रवाना हो गई मैं अपनी तरफ से भी और जितने भी अहबाब इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं उनकी तरफ से भी आपकी बारगाह में इन हीफाज में खराज तहसिन पेश करना चाहूँगा कि आती ही रहेगी तेरे अनफ़ास की खुशबू आती ही रहेगी तेरेफा की खुशबू गुलशन तेरी यादों से महकता ही रहेगा और आखिर में मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जामिया जरिया फैसलाबाद के नौजवानों को बिलखसूस कामरान अकबर बाई को कि उन्होंने आज की इस खूबसूरत नशित का अहतम किया और अंजमन तलबा इस्लाम की मरकज़ी जो क़्यादत है वो भी मुबारकबाद की मुस्तक है कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम नौजवान नस्ल के लिए मसरूफियात के बावजूद वो नौजवान नस्ल के लिए ऐसे प्रोग्राम मुहैया किए अल्लाह तमाम नौजवानों को बरकतें दे और जितने नाजरीन ने ये प्रोग्राम देखा अल्लाह तल हम सब को हम सब के घर वालों को सैदा कायनत हजरत फातिमत जहरा रज़ी अल्लाह तन्हा आपके वजूद की खैरत अता फ़रमा दे और अल्लाह ताली इस उम्मत को खोया हुआ विकार दे दे और अल्लाह ती इस उम्मत की बेटियों को सीरत फातिमत ज़ाहरा रदी अल्लाह ताली अनहा पर अमल की तोफ़ी अता फ़रमा दे इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि महम्मद से वफ़ातून तो हम तेरे हैं ये जहान चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं वाखर उदावाना अलहमदुल्लि रबालमीन